साथ अपनी जर्नी शेयर करना चाहूंगी। मैंने स्कॉलरशिप ज्वाइन किया था जब मैं क्लास टेंथ में थी। क्लास टेंथ से अब तक काफी चेंजेस आ गए हैं लाइफ में। क्लास टेंथ में मैंने एनटीएससी स्टेज वन क्लियर किया था, उस बैच में मैं अकेली थी। क्लास इलेवेंथ में होता है एनटीएससी का स्टेज टू। अकेले होने के बाद भी मेरी स्पेशल क्लासेस लगी थी। अंजलि मैम ने स्पेशली मुझे आगे इलेवेंथ के टॉपिक्स पढ़ाए थे जिनकी मुझे जरूरत पड़ती। इनफैक्ट मेंटल एबिलिटी तक की क्लासेस लगी थी मेरी। हमारे जहाँ पे स्कॉलरशिप में स्ट्रेंथ स्टूडेंट स्ट्रेंथ कोटा दिल्ली के रिस्पेक्ट में बहुत कम है, बैचेस लिमिटेड हैं, इसलिए हर बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन मिल सकती है। जो स्टूडेंट्स वीक हैं या जो स्ट्रॉन्ग जल्दी पेस नहीं पकड़ पाते हैं कोचिंग की, उनको भी स्पेसिफिकली गाइड किया जाता है यहाँ पे। क्योंकि शायद कोटा और दिल्ली में या बड़े इंस्टीट्यूट में नेग्लेक्ट कर दिए जाते हैं जस्ट बिकॉज वहाँ पे स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। क्लास इलेवेंथ में स्टार्टिंग में काफी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं बच्चों को, क्योंकि क्लास टेंथ में और इलेवेंथ में काफी फर्क है। टेंथ में सिलेबस बहुत लिमिटेड होता है और कॉम्पिटिशन में भी ज्यादा वाइड नहीं जाता, लेकिन क्लास इलेवेंथ में आते ही आपका स्टडी टाइम, आपकी टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए बच्चों को स्टार्टिंग में हमें ज्यादातर को प्रॉब्लम आती है। मुझे खुद पर्सनली फिजिक्स में प्रॉब्लम आ रही थी, बट टीचर्स ने उस टाइम हमें अच्छे से गाइड किया। आगे जब इलेवेंथ में हमारा केपीपी आया था तो स्पेसिफिकली बायो की क्लासेस लगवाई गई थी हमारी, जो कि मैंने जहां तक पता किया है और नहीं लगाई जाती है। पीसीएम स्ट्रीम में भी बायो केपीपी में आती है। उसके बाद जब फर्स्ट राउंड क्लियर हुआ तो इंटरव्यू की तैयारी भी कराई गई थी। उसमें बीटी सर ने और बाकी टीचर्स ने हमारे मॉक सेशन लिए थे ताकि हम इंटरव्यू में घबराए नहीं या फंबल ना करें या कुछ नया फील ना करें। ओवर द टाइम काफी चेंजेस आए हैं। इलेवेंथ की स्टार्टिंग में बहुत फ्री लगता है बिकॉज सिलेबस ज्यादा नहीं पड़ा होता, बट सिर्फ वही टाइम था जहाँ शायद फ्री लगा है इन दो सालों में। उसके बाद जैसे जैसे सिलेबस बढ़ता है, पुराना रिविजन पाइलअप होता है, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है कुछ और सोचने का। वो टाइम स्टडी आवर्स बढ़ाने पड़ते हैं और अपना हार्डवर्क भी बढ़ाना पड़ता है कुछ अच्छा अचीव करने के लिए। काफी चेंजेस आए हैं, लेकिन हर स्टेप पे सर ने, मैम ने और बाकी टीचर्स ने हमें गाइड किया है। हर पॉइंट पे हमारी प्रॉब्लम मैनेजमेंट ने अच्छे से और टाइम पे एड्रेस करी है। प्रॉब्लम चाहे किसी बैच की टाइमिंग से रिलेटेड हो या किसी बच्चे के इंडिविजुअल प्रॉब्लम हो सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर टीचर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, वो भी टाइमली एड्रेस करी गई है। इसलिए हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आए इन दो सालों में और काफी स्मूथ गई है हमारी जेई की प्रिपरेशन। स्ट्रेस कभी कभी मार्क्स का हो जाता था या फिर एग्जाम्स का हो जाता था, वो भी सर ने हमेशा कहा है कि रिलैक्स रहके और काम रहके काम करना चाहिए, क्योंकि फियर सिर्फ हमारे मेंटल पावर्स को वीक करता है और वो बहुत अच्छी एडवाइस है। अभी भी शायद माहौल बहुत डर का है आसपास, तो हमारा डरना उसमें कोई फायदा नहीं करेगा। सो जस्ट चिल अबाउट इट एंड बी स्टे पॉजिटिव। क्लास 10th से 11th में चेंज था, 11th से 12th में भी काफी चेंज था। क्लास 11th में जब तक आप पढ़ रहे हो आपको रियलाइज नहीं होता कि आप पीछे का भूल रहे हो। ओवर द टाइम जब आपका सिलेबस आगे बढ़ता है आपको रियलाइज होता है कि आप पीछे का भूल रहे हो और काफी सारा रिविजन पाइलअप होता है। सो आई वुड एडवाइस कि आपको जैसे जैसे टाइम मिलता जाए आप अपना पीछे का रिविजन अप टू डेट रखो। ओवर द टाइम शायद अगर कुछ टीचर्स चेंज होते हैं तो वो भी हमारे बेटरमेंट के लिए होते हैं। क्लासेस कभी कभी 3 की बजाय 4 भी लगाई जाती हैं हर क्लास 1.5 घंटे की, ताकि सिलेबस टाइम पे पूरा हो। और 11th में भी जो है केवीपीवाई, क्योंकि हमारे बैच में काफी बच्चों का टारगेट था, क्योंकि हमारे सर्कल में काफी रिसर्च ओरिएंटेड बच्चे हैं, तो उन केवीपीवाई से पहले हमारा मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट था जिसके एग्जाम में काफी हेल्प हुई। और 12th में एकदम से ऐसा लगता है कि जैसे प्रेशर बढ़ गया है, प्रेशर भी नहीं बढ़ा बल्कि काम बढ़ गया है ऐसा लगता है, क्योंकि उस समय एग्जाम बिल्कुल सामने नजर आता है। उस समय तो टाइम टेबल बना के काम करना काफी हेल्पफुल रहता है। 11th में भी अगर आप टाइम टेबल के साथ टारगेट सेट करके काम करो तो आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और काम करने का तरीका भी बढ़ेगा। बाकी सर ने और हमारे टीचर्स ने हर स्टेप पे हमें गाइड किया है, हमारी सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो या फिर टाइम टेबल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, हर स्टेप पे टीचर्स हमारे डाउट क्लियर कर रहे हैं। और अभी भी जबकि कोचिंग सेंटर्स बंद हैं तो लॉकडाउन अनाउंस होने के कुछ दिन के अंदर ही हमारी एक्स्ट्रा हमारी क्लासेस लगना शुरू हो गई थी, रिविजन क्लासेस और डाउट क्लियरिंग क्लासेस भी इस टाइम पे लग रही हैं, ताकि हम जो टेस्ट दे रहे हैं रेगुलरली एडवांस पैटर्न के या फिर मेन पैटर्न के,
उनमें आने वाले हमारे डाउट क्लियर हो पाए, हमारी प्रिपरेशन अप टू डेट रह पाए। सिर्फ जे मीन्स एडवांस की नहीं, जितने और भी हमने 2 सालों में एग्जाम्स दिए हैं मेजर KPY या फिर PRMO, उनके लिए भी हमारी डिमांड पे अलग से सीरीज करवाई जा रही थी, जिससे काफी हेल्प हुई एग्जाम पैटर्न को समझने में। और एक सोल टारगेट जे का लेते हुए भी हम अपने एक्स्ट्रा इंटरेस्ट जो और सब्जेक्ट स्पेसिफिकली मैथ्स में अगर PRMO हो या फिर रिसर्च साइड में इंटरेस्ट हो तो KPY भी साथ में ही अच्छे से कर पाते हैं, क्योंकि बेसिकली सिलेबस सेम है बट थोड़ी पैटर्न की प्रैक्टिस भी करवा दी जाती है जो कि काफी हेल्पफुल रहता है। सो ओवर द टाइम एक घर पे रहने रह के पढ़ना सबसे ज्यादा फायदेमंद रहा, क्योंकि इस समय हम यहाँ रह के पढ़ने में पढ़ाई के अलावा कोई और काम नहीं था, वरना कहीं बाहर हॉस्टल में शायद हमें और 10 प्रॉब्लम्स होती। बट लकीली हमें घर के पास ही बेस्ट गाइडेंस मिली एंड आगे जो भी रिजल्ट होगा उसका ज्यादातर श्रेय हमारे टीचर्स को ही जाएगा, स्पेशली BT सर को, जिन्होंने हमें हर स्टेप पे गाइड किया और हर बार हमारी प्रॉब्लम्स को टाइमली एड्रेस किया। ऑल द बेस्ट एंड स्टे पॉजिटिव, इस बिलीफ सही जगह पर हो, अपना काम जो है अच्छे से करो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बाकी लोग सिर्फ गाइड कर सकते हैं, सीनियर्स सिर्फ तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं, पर काम तुम्हें खुद ही करना है। सो ऑल द बेस्ट।